नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका किट्टू टिफ़िन में। और आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल फिश मसाला, जिसको बनाने के लिए हमने 300 ग्राम लिया है मछली। इसको अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद इसको हम सुखा लेंगे। सुखाने के बाद इसमें बेसन, लाल मिर्च, हल्दी और नमक मिक्स करेंगे अच्छे से और मछली को लपेट देंगे। हमने लपेट के तैयार कर लिया है। अब गैस ऑन करते हैं, इस पर रखते हैं एक फ्राई पैन और हम डालेंगे सरसों का तेल। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप रिफाइंड तेल भी यूज कर सकते हैं, पर मछली का असली आनंद तो सरसों के तेल में ही आता है। सारे पीसेस को हम एक एक करके गरम तेल में रखेंगे और इसको फ्राई करेंगे। 3-3 मिनट एक तरफ से फ्राई करेंगे हम इसको। अच्छे से मछली फ्राई हो रही है हमारी। 3 मिनट के बाद इसको हम पलट देंगे दूसरे साइड में। अब दूसरी तरफ भी 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे अच्छे से। जैसे ही मछली हमारी फ्राई होकर तैयार होती है, हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब उसी तेल में हम एक तेज पत्ता और थोड़ा सा जीरा क्रैकल होने के लिए डालेंगे। जैसे ही जीरा क्रैकल हो जाएगा, हम इसमें स्लाइस किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को अच्छे से भूनना है ट्रांसलूसेंट होने तक। जब प्याज हल्का हल्का ग्राउन गोल्डन ब्राउन होने लगेगा, तब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। फिलहाल तो अभी हम करी पत्ता ऐड कर रहे हैं। करी पत्ते का टेस्ट मछली के मसाले में बहुत ही अच्छा लगता है। ये आ गया हमारा जिंजर गार्लिक और मिर्ची का पेस्ट 1.5 चम्मच के करीब। थोड़ा 1 से 1.5 मिनट इसको पकाएंगे, जिससे कि कच्चापन निकल जाए। अदरक लहसुन का साथ में टमाटर ऐड करेंगे। जैसे ही टमाटर डालेंगे, हम इसमें डालेंगे नमक, जो टमाटर को गलाने में हमें जल्दी होगा। जैसे ही टमाटर गल जाएगा, हम इसमें लाल मिर्च, हल्दी, धनिया का पाउडर मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसको 30 सेकंड भूनने के बाद हम इसमें मिक्स करेंगे थोड़ा सा पानी, जिससे मसाला जलेगा भी नहीं और टमाटर, प्याज और मसाले अच्छे से भुन जाएंगे। इसको अच्छे से स्टर करते हैं और एक बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे हम। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जैसे ही एक बॉयल आने लगेगा, इसको अच्छे से भुने एक ढक्कन लगाते हैं और 5 मिनट के लिए इन मसालों को पकने देते हैं। 5 मिनट बाद मसाले पक के तैयार हो चुके हैं हमारे। इसको अच्छे से चलाते हुए मिक्स करें। इसमें हम डालेंगे फिश मसाला। बाज़ार से हमें जो भी फिश मसाला जो भी उपलब्ध है आपके पास, उसको डाल दें और इस मसाले को अच्छे से 30 सेकंड के लिए हम भूनेंगे लगातार चलाते हुए। मसाला हमारा भून के तैयार हो गया है। इसमें हम मिलाएंगे 1/2 कप के करीब पानी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले के साथ पानी को। इसमें एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही उबाल आ जाएगा, बढ़िया से हम इसमें हम अपनी मछली के तले हुए पीस को ऐड कर देंगे। मछली को जब ग्रेवी तैयार हो जाए तब ऐड करना चाहिए। ज़्यादा मछली को ग्रेवी में डाल के हम स्टर करेंगे तो मछली के पीस सारे टूट जाएंगे। हल्का हल्का एक चम्मच की सहायता से करी जो है वो उसके ऊपर, मछली के पीसेस के ऊपर डाल देंगे और इसको ढक्कन लगा के 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद ग्रेवी, मसाला, करी जो भी आप बोलें, वो बन के हमारी तैयार है। लास्ट में इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और ये तैयार है मछली। फिश मसाला हमारा बन के तैयार है।